हेलो फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आपका एरर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है, अपनी तीन क्लास एंड तीन चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज नेक्स्ट चैप्टर है सप्लीमेंट्री, डुप्लीकेट जीन इंट्रेक्शंस, मास्किंग इनहिबिटरी, पॉलीमेरिक एंड एडिटिव जीन इंट्रेक्शंस। तो अब एक के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्रबलता यानी एपिस्टेटिस। प्रबलता यानी जब कोई जीन किसी अयुग्म विकल्पी जीन के प्रभाव को दबाती हुई, इसे प्रबलता कहते हैं। जब कोई जीन किसी अप्रभावी अयुग्म विकल्पी जीन के प्रभाव को दबाती है यानी रोकती है, तो इसे प्रबलता यानी एपिस्टेटिस कहते हैं। युग्म विकल्पी जीन के मध्य यही क्रिया प्रभाविता कर लेती है, यानी जो ये क्रिया होती है अयुग्म विकल्पी जीन के प्रभाव को दबाने की, इसे ही प्रभाविता कहते हैं। प्रभाव को दबाने वाली जीन प्रबल जीन कहलाती है। जिस जीन का प्रभाव दबाया जाता है उसे अप्रबल जीन, यानी जिस जीन को दबाया जाता है उसे तो अप्रबल जीन, और जिस जीन द्वारा दबाया जाता है उसे प्रबल जीन। उदाहरण के लिए कुत्तों में बालों का रंग। अगला इसमें फर्स्ट है पूरक जीन अन्योन्य क्रियाएं यानी कंप्लीमेंट्री जीन इंट्रेक्शंस। वे जीन जिनका एक लक्षण के लिए दो जोड़ी अयुग्म विकल्पी जीन होती है, यानी ऐसे जीन जिनके लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए दो जोड़ी अयुग्म विकल्पी जीन होती है। लक्षण के अभिव्यक्ति के लिए दोनों प्रकार की जीन का प्रभावी रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। यानी जो ये दो जोड़ी अयुग्म विकल्पी जीन होते हैं, इनके लक्षणों के अभिव्यक्ति के लिए दोनों प्रकार के जीनों का प्रभावी रूप से उपस्थित होना आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल है कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल सी कैपिटल पी। जब इनका क्रॉस करवाते हैं आपस में तो एफ एन पी डी में यह वाली संतति उत्पन्न होती है। जिसका एफ टू क्रॉस करवाते हैं तो ये वाले रेशियो प्राप्त होते हैं। सेकंड है संपूरक जीन अन्योन्य क्रियाएं, संपूरक जीन यानी सप्लीमेंट्री जीन इंट्रेक्शंस। इस क्रिया में एक जोड़ी जीन का प्रभाव अपना प्रभाव होता है तथा दूसरी जोड़ी जीन का अपना प्रभाव तो नहीं होता है, परंतु जब वह पहली जोड़ी के प्रभावी जीन के साथ आता है तो उसके प्रभाव को परिवर्तित कर देता है, जिससे एक नए लक्षण का निर्माण होता है। सप्लीमेंट्री जीन इंट्रेक्शन में क्या होता है कि जो एक जोड़ी जीन का प्रभाव होता है तथा दूसरी जोड़ी जीन का प्रभाव नहीं होता है, यानी जिस जीन जोड़ी का प्रभाव होता है उसके साथ अगर अप्रभावी जीन जोड़ी जाए तो वह अप्रभावी जोड़ी भी जीन भी अपना प्रभाव दिखाने लग जाती है और एक नए लक्षण का निर्माण होता है। इस परिवर्तन करने वाले जीन को संपूरक जीन कहते हैं। अर्थात जब किसी जीन का अपना कोई प्रभाव नहीं होता है, परंतु जब वह किसी दूसरे प्रभावशाली जीन के साथ आता है और उसके प्रभाव को परिवर्तित कर देता है तो इसे संपूरक जीन इंट्रेक्शंस, संपूरक जीन यानी सप्लीमेंट्री जीन इंट्रेक्शंस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है ये पेरेंट्स रहते हैं अपन कैपिटल के स्मॉल के कैपिटल एल। जब इसका F1PD में ये वाली संतति प्राप्त होती है, इसका खाकी कलर है यहाँ पे वफ, तो यहाँ पे एक अलग ही चॉकलेट रंग के उत्पन्न हो जाते हैं। जब इसका F2PD देते हैं यानी इसका वापस क्रॉस करवाते हैं तो ये वाले रेशो प्राप्त होते हैं। रेशो देखिए अपन 9:3:4 यानी 9 जो होते हैं वो तो चॉकलेट रंग के होते हैं, 3 खाकी कलर के होते हैं और 4 बफ कलर के होते हैं। अगला है डुप्लीकेट जीन इंट्रेक्शंस। वह दो जीन की जोड़ी जो एक ही लक्षण को नियंत्रित करती है तथा जिनका अलग अलग प्रभाव बराबर होता है, परंतु जब दोनों प्रभावी जीन एक ही व्यक्ति में होते हैं तो भी उनका वही प्रभाव होता है जो अलग अलग व्यक्ति में होने पर रहता है, डुप्लीकेट जीन इंट्रेक्शन कहलाते हैं। डुप्लीकेट जीन यानी एक ही समान, चाहे वह अलग व्यक्ति में हो चाहे एक ही व्यक्ति में हो, अपना मतलब अपने लक्षण समान ही प्रकट करते हैं, वह डुप्लीकेट जीन इंट्रेक्शन कहलाता है। मास्किंग जीन इंट्रेक्शन, निरोधक जीन अनुन्य क्रिया, इनहिबिटरी जीन इंट्रेक्शन, ये भी टॉपिक है इसमें। अगला है बहुलकता जीन अनुन्य क्रिया, पॉलीमेरिक जीन इंट्रेक्शन। वह दो जोड़े जीन जो एक लक्षण को प्रभावित करते हैं तथा उनके व्यक्तिगत प्रभाव समान होते हैं, परंतु दोनों प्रभावी जीन के साथ आते हैं तो उनका प्रभाव व्यक्तिगत जीन की अपेक्षा दुगुना हो जाता है, संयोजक कहलाते हैं तथा इस क्रिया को बहुलकता जीन अनुन्य क्रिया कहते हैं। यानी दो जोड़े जीन
जो एक ही लक्षण को प्रभावित करते हैं तथा उनके व्यक्तिगत प्रभाव समान होते हैं, यानी कोई भी दो दो जीन होते हैं उनके व्यक्तिगत प्रभाव समान होते हैं, परंतु दोनों प्रभावी जीन के साथ आते ही उनका प्रभाव दुगुना हो जाता है, जिसे संयोजक कहते हैं। और इस पूरी क्रिया को बहुलकता जीन अनुनय क्रिया यानी पॉलीमेरिक जीन इंट्रैक्शन कहते हैं। अगला है संयोजक जीन अनुनय क्रिया एडिटेटिव जीन इंट्रैक्शन। गेहूं में ग्लूकोज के रंग को भी नियंत्रित करते हैं और अलग अलग जीन हल्का लाल रंग उत्पन्न करते हैं, परंतु दोनों मिलकर गहरे लाल रंग के दाने बनाते हैं और दोनों की अनुपस्थिति में सफेद रंग के दाने बनते हैं। जो एडिटेटिव जीन इंट्रैक्शन होते हैं वह गेहूं में ग्लूकोज के रंग को भी नियंत्रित करते हैं और एक अलग अलग जीन हल्का लाल रंग उत्पन्न करते हैं, परंतु दोनों मिलकर गहरे लाल रंग के दाने बनाते हैं। जब वो अलग अलग होते हैं तो हल्का लाल रंग, और जब वो दोनों साथ हो जाते हैं तो गहरे लाल रंग के दाने बनाते हैं और दोनों की अनुपस्थिति में सफेद रंग के दाने बनते हैं। जैसे देखिए जीन इंट्रैक्शंस में और इनके रेशियो, फर्स्ट कम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन इसमें 9:7 प्राप्त होता है, सप्लीमेंट्री में 9:3:4, डुप्लीकेट में 15:1, मास्किंग में 12:3:1, इनहिबिटरी में 13:3, पॉलीमेरिक जीन इंट्रैक्शन में 9:6:1, एडिटेटिव जीन इंट्रैक्शन में 1:4:6:4:1 प्राप्त होते हैं। तो अपना पांचवा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों।